पॉलीमर है, प्लास्टिक नहीं है, देखिए ये नहीं फटने वाला है। जाने के बाद हम लोग पीछे से कवर खोल करके उसमें भी हैंडल लगा के चला सकते हैं। जो बेस प्लेट है वो भी हमने एल्युमिनियम दी है कि रॉ स्टील है कि नहीं। यहाँ पे आपका मैग्नेट रखा हुआ, इसको आप सटा के देख सकते हैं, ये मैग्नेट इसको सेंस नहीं करेगा क्योंकि ये 304 स्टील रॉड है, स्टील 304 का रॉड है। ये पित्तल के हैं अंदर, आपको यहाँ से एक नट खोलना है। मशीन के साथ क्या है, ये मशीन के अंदर मोटर यहाँ पे अंदर बिल्ट है। यहाँ पे आपका बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी मेन वायर दी है जो कि आपकी लाइन में जा करके चालू कर सकते हैं। मशीन है वो एक से दो बार ही चलती हैं, उससे ज्यादा वो चलती भी नहीं। जूसर मशीन है, जूसर मशीनें हमारे पास घर से लेकर के दुकानदार के काम तक के लिए मशीनें हैं। नमस्कार दोस्तों, वापस एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इसमें पटना में, और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जो भी युवा चाहते हैं बहुत ही कम पैसे में बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आज आपके लिए स्पेशल मैं आ गया हूँ एक बिजनेस आइडिया लेकर, जो कि मात्र आप 1500 रुपए में जूसर मेकिंग मशीन लगाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आपके व्यूअर्स का भी, आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, गर्मियों के सीजन आने वाला है, तो लोग क्या होते हैं मार्केट में निकलते हैं तो उनको जूस पीने के लिए बहुत पड़ती है, या फिर जूस पीना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आप जो जितने मशीनें देख रहे हैं ना, ये सारी जूसर मशीन है। जूसर मशीनें हमारे पास घर से लेकर के दुकानदार के काम तक के लिए मशीनें हैं। आपसे बात हुआ सर, आपने बताया कि जो छोटी मशीन है इस तरीके से वो 1500 रुपए में स्टार्टिंग हो रहा है जी, लेकिन सर इस समय ऑनलाइन की हम बात करें 200-400 रुपए मिल जा रहा, तो उससे क्या कुछ बेनिफिट इसमें मिलने वाला? सर देखिए, पहली बात है तो 200-400 वाली मशीन है वो एक से दो बार ही चलती है, उससे ज्यादा वो चलती भी नहीं है जी। आप जो ये मशीनें देख रहे हैं ये सारी मशीनें कलसी ब्रांड की है। मशीनें लोकल मशीनों से किस तरह से बढ़िया है वो मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ, और बताता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि आप जो मशीन लेकर हैं वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, वो आपकी सेहत के लिए बढ़िया है कि नहीं, बस ऐसे ही आप बस जूस पिए जा रहे हैं। तो आप हम लोग मशीन के बारे में बात करें तो कलसी की जितनी मशीनें होती अच्छा, है कलसी देख रहे हैं सर कि जो भी यहाँ पर मशीन लगा हुआ है कलसी ऑलरेडी लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो कलसी के बारे में नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा इसके पहले डिपेंड। सर कलसी एक इंडिया की कंपनी है जो पंजाब की है, जो आपके पूरे वर्ल्ड वाइड मशीन को सप्लाई करती है, इंडिया में भी बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो हाई क्लास रहती है, लोकल मशीन से काफी बढ़िया रहती है। किस तरह से बढ़िया रहती है मैं आपको बताता हूँ। तो कलसी की जितनी मशीनें हैं सब आप हमारे पास हर तरह की मशीन हैंड ऑपरेटेड, मोटर ऑपरेटेड, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक सब है। जैसे आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये जो मॉडल है ये फुल स्टेनलेस स्टील मशीन है। इस मशीन की हम लोग बात करें या फिर कलसी किसी भी मशीनों की बात करें, तो जो लोकल मशीन होती है उन लोगों को खोल करके सफाई करना काफी मुश्किल होता है, उनके अंदर देखना काफी मुश्किल होता है। तो कलसी की मशीन खोलने के लिए केवल आपको यहाँ से एक नट खोलना है, इसको आप खोल लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ना, इस मशीन के अंदर क्या होता है ना कि आपकी जो मशीन के अंदर बुश होता है जिसके ऊपर मशीन का रोलर चलता है, और या फिर साफड़ कहे चाहे उसको स्क्रू कहे जो आपको अनाज को पेरता है, तो वो क्या होता है कि स्टील या फिर एल्युमिनियम का था। आप जो ये जब देख रहे ना बुश, इसी बुश के ऊपर ये पूरे इस रोलर का वजन लगा हुआ है। ये बुश अगर बढ़िया नहीं रहेगा तो बहुत जल्दी ही आपकी मशीन कट जाएगा, फिर वो ढकर ढकर करने लगेगा और आपको मशीन की सर्विसिंग में खोजता है। लेकिन कलसी की जो भी मशीन है इसके अंदर जितने बुश है ये पित्तल के हैं, अंदर की तरफ पित्तल है, बाहर की तरफ भी पित्तल है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस मशीन के हम लोग निकालते हैं। इसके अंदर हम लोग जो रॉड भी दे रहे हैं, ये जो ये मोटर सिस्टम रॉड है, तो इसमें हम लोग जो रॉड दे रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील 304 का रॉड है। इसका वजन की बात करें एक से डेढ़ किलो तक लमसम होगा, तो काफी हैवी रॉड है। तो इसकी लाइफ की बात करें 2 से 3 साल ये आपको ये रॉड भी नहीं चेंज होगा। अगर आपको चेक करना है कि रॉड स्टील है कि नहीं, यहाँ पे आपका मैग्नेट रखा हुआ, इसको आप सटा के देख सकते हैं, ये मैग्नेट इसको सेंस नहीं करेगा क्योंकि ये 304 स्टील रॉड है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि आपने मार्केट में बहुत सारी मशीनें देखी होंगी, लेकिन वो क्या होती है कि वो मशीनें क्या होती है कास्टिंग की होती है। कास्टिंग क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा झड़ता है किसी भी धातु या फिर पानी से लड़ने के बाद, लेकिन ये कलसी की जितनी मशीनें हैं ये एल्युमिनियम में है। एल्युमिनियम होने से ये बेनिफिट है कि ये आपका कभी भी आपका जूस के साथ झड़ करके आपके आपके खाने में नहीं आएगा। इससे आपको ये बेनिफिट हुआ, तो ये आपकी सेहत को पहले बात है बचाएगा, उसके बाद क्या हुआ कि आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ती है और आपकी सेहत भी बढ़िया रहती है। अच्छा, कलसी के सर जितने भी इसमें देख रहे हैं वो टोटल एल्युमिनियम है? छोटी वाली भी मशीन है एल्युमिनियम है। अच्छा। इनके अंदर बुश का फर्क हो सकता है, लेकिन बॉडी की बात करें तो वो एल्युमिनियम ही है सारी, ए टू जेड मशीन है। छोटी मशीनों के अंदर रॉड स्टील की नहीं आती, एल्युमिनियम रॉड आती है, लेकिन वो एल्युमिनियम है, कास्टिंग नहीं है सर। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करें तो इस मशीन के अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वैसे मैंने अभी मशीन खोल दी और रात को मैं अपने अपना काम कर लिया और मशीन को मेरे को सफाई करके वापस लगानी है, इस मशीन के अंदर ऐसी इस तरह की जाली भी दी रहती है, मोटा सामान है तो उसको नीचे गिरने नहीं देता, उसको छान के रखता है और बीज को भी पेरने से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है,
कि मशीन को अगर मान लीजिए लगाना है, फिटिंग करनी है, तो बहुत कम ही समय में कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि पहले हमने ये प्लेट सेट कर ली, इसके बाद यहाँ पे इसकी रॉड दी हुई है, रॉड हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। ये देखिए, अगर मैं मान लीजिए रात को मशीन अपनी बंद कर रहा हूँ, तो मुझे 2 मिनट लगेगा केवल इस मशीन को सेट करने में। इसकी रॉड सेट कर ली, इसके अलावा ये रहा बुश, इसको ऐसे बैठाया और इसको ऐसे लगा दिया। इसके अलावा क्या होता है कि दूसरी जो मशीनें होते हैं उन लोगों को कसने के लिए ना आपको औजार सेट की जरूरत पड़ती है, उसी की मशीनों का सेट करने के लिए औजार की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के नट कसने वाले दिए हुए हैं पित्तल के, जो आप आगे कैसे कस सकते हैं और अपनी मशीन आप सफाई करके फिर से इस्तेमाल में काम में ले सकते हैं। तो इस तरह की जो मशीनें हैं बहुत तरह की वैरायटी, ये आप देख रहे थे फुली कवर्ड मोटर में है, ये आप देख सकते हैं ओपन मोटर में है। ओपन मोटर के साथ इसमें एक और खासियत है कि अगर आप मान लीजिए आपकी लाइन कट जाती है तो यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है हमने, जिसको आप हाथ से भी घुमा करके काम ले सकते हैं, ताकि हमारी लाइन ना रहे तब भी आपकी मशीनें काम करे। ये मशीन देख रहे हैं सारी फुल्ली एल्युमिनियम है, यहाँ तक इसकी जो बेस प्लेट है वो भी हमने एल्युमिनियम दी है। अच्छा, ये भी आपको एल्युमिनियम ही मिलेगा? एल्युमिनियम ही। अच्छा, बात कर लें सर की जो बाहर मोटर लगा हुआ है इसमें इंक्लूड है अंदर, तो इन दोनों के कंपेयर की हम बात करें तो कौन बेस्ट होता है? सर ये ज्यादा बेस्ट रहता है, इससे क्या होगा कि आपकी मोटर दिखेगी नहीं, आपके अगर मान ली कोई ग्राहक अगल बगल है तो वो आपके साथ लगेंगे नहीं, बेल्ट भी उसमें पूरी कवर्ड है, इसमें क्या होगा बेल्ट खुली रहेगी। इस मशीन को भी आप हाथ से चला सकते हैं और मोटर से भी चला सकते हैं। लाइन कट जाने के बाद हम लोग पीछे से कवर खोल करके उसमें भी हैंडल लगा के चला सकते हैं। ये केवल हैंड ऑपरेटेड मशीन है। अच्छा। कमर्शियल में मतलब जिनको बड़ा काम करना है वो हैंड ऑपरेटेड लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करें तो मशीन के अंदर मॉडल के अंदर 12 नंबर 14 नंबर 12 नंबर 15 नंबर 18 नंबर ये सारे मॉडल आते हैं। ये कमर्शियल मॉडल है, 12 नंबर से स्टार्टिंग हो जाता है हैंड ऑपरेटेड या फिर मोटर ऑपरेटेड मशीन से। सबसे ज्यादा रनिंग वाला मॉडल ही हमारा 12 और 18 ही है। इसके अलावा हम लोग घर वाले मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर मशीन 6 नंबर मशीन 10 नंबर मशीन हर तरह की मशीनें आते हैं, जो आप अपने रिक्वायर्ड अनुसार हमसे आप खरीद सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। और आपने ये देखा होगा कि सभी मशीनों के अंदर ये पीला रंग का क्या दिया हुआ है, जैसे कि आपने लोकल जो मशीनें देखी होंगी उसके अंदर लकड़ी का या स्टील का देता है। लकड़ी या स्टील क्या होता है ना कि कभी करना कभी वो फट जाएगा, उसमें फंगस लगेगा, वो जा करके आपकी मशीनों के साथ या फिर जूस जो भी पेर रहे हैं वो आपको रिएक्ट करेगा, उससे क्या होगा कि आपकी सेहत को नुकसान होगा। ये आप जो देख रहे हैं ये पॉलीमर है, प्लास्टिक नहीं है, देखिए ये नहीं फटने वाला, ये फटेगा नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि इसमें वजन ज्यादा नहीं है, दबाने में दिक्कत हो रही है, तो उसको आप खोल करके अंदर सीमेंट रख करके वापस बंद कर सकते हैं, व्हाइट सीमेंट को जमा करके। उससे क्या होगा आपका वजन भी अच्छा खासा इसके जूस में मिलेगा और आपकी सेहत को भी परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल छोटी मशीनों में भी यही पॉलीमर दिया जाता है, लकड़ी चाहे लोहे का नहीं दिया जाता, ताकि उसमें फंगस ना लगे। बिल्कुल सर। तो आप इस तरह की मशीन दिए गए नंबर पे संपर्क करके मंगवा सकते हैं अपने यहाँ, या फिर आकर के लेना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारी दुकान विजिट करें और इस तरह की मशीन अपने यहाँ पाएं, ताकि जो नया अभी सीजन अभी शुरू होने वाला है इसमें आप लगा करके अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने दिखाया बहुत ही कम पूंजी में इस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ साथ में इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया गया है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।